देखिए यहाँ पे रुकना था हम लोगों ने काफी दिन से जो बोला था कि शहर में हम लोगों की कोई वेंडिंग जोन नहीं है जो सोशल सम्मान थोड़ा सा नीचे और लगातार जब सिटी में स्ट्रीट फूड का कल्चर है काफी हद तक और हम लोगों की कोशिश ये रही थी कि नाइट कल्चर हम लोग जमशेदपुर में थोड़ा प्रमोट करेंगे जैसे अन्य महानगरों में भी होता है तो उसी की पर्टिकुलर कोशिश में हम लोगों ने कुछ जगह आइडेंटिफाई की थी उसकी जहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं हम लोग की पूरी की पूरी प्लान हम लोगों ने पूरे मार्केट जो थे पूरे अनरेगुलेटेड तरीके से यहाँ बेतरतीब तरीके से लगा हुआ है लोगों की बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए और एक वेंडिंग जोन डेवलप किया जाए जो कि फिलहाल के लिए नॉर्मल वेंडिंग जोन रहेगा परंतु अगर कोविड महामारी से हम लोगों को छुटकारा मिलता है और उसके बाद फिर जीवन सामान्य हो जाता है तो फिर हम लोग उसको नाइट वेंडिंग जोन में कन्वर्ट कर देंगे तो जो कोलकाता का नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट है उसी के तर्ज पर हम लोग जो है यहाँ जमशेदपुर में फिलहाल के लिए इमीडिएटली दो स्ट्रीट फूड मार्केट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हम लोगों का प्लान है कि ऐसे कम से कम 5 स्ट्रीट फूड मार्केट जो है वो एक्सटेंड कर सके तो इसी क्रम में ये स्ट्रीट फूड मार्केट जो है इसको हम लोगों ने टाटा स्टील प्रबंधन को डेवलप करने की जिम्मेदारी सौंपी थी तो उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। एक और काशी मार्केट में जो वसंत सिनेमा और उसके पास के जितने भी सारे जिले व्यापारी हैं उनके लिए हमें एक और वेंडिंग जोन जो है वहीं पे उसके आसपास बनाएंगे तो इन्हीं दोनों वेंडिंग जोन का जो है मुआयना करने की उम्मीद है। कब तक हो जाएगा सर ये हमें कोशिश है कि अगले 3 महीने के अंदर दोनों वेंडिंग जोन जो है वो यहाँ पे सुरक्षित रूप से स्टैब्लिश हो जाए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं रहता है तो मे भी उसके पहले भी इसकी पॉसिबिलिटी बट आपके प्रोसेस इनिशियट हुआ है तो हमें रखने की कोशिश करेगी कि 3 महीने के अंदर इसको हमें दुकान बना के दीजिए यहाँ शेड बनने की बात है और जो लोग व्यवस्थित तरीके से बिठाने को बात है ताकि एक एकरूपता दिखे एक सिमेट्री दिखे और प्लेस जो अट्रैक्टिव दिखे क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली कार के सामने है तो उसके बाद लोगों की क्राउडिंग जो है वो सामान्य दिनों में ज्यादा होने वाली है तो हमें इसको कोशिश कर रहे हैं कि एक अट्रैक्टिव Thank you.